किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट पर हम बने हुए हैं, जो किश्तवाड़ का ज़िला है वहाँ पर हम बने हुए हैं। सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक जो है हमने पूरा जो यहाँ पर काउंटिंग सिस्टम को जो चल रहा था, क्या कुछ किस्तें कहाँ से अपडेट, पूरा अपडेट जो है हमने पूरे इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको बताया। चाहे इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हो, चाहे किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हो, चाहे इंद्रवाल के बाद जो हमारी छोटी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पाटर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका अपडेट हमने सुबह से लगातार हम आपको बता रहे थे। जो एग्ज़िट पोल थे उस पर कुछ और ही यहाँ बयां हुआ। जो एग्ज़िट पोल के मुताबिक जो कुछ हो रहा था, जिस तरीके से लोगों ने एग्ज़िट पोल बनाए थे, मीडिया एजेंसीज़ ने एग्ज़िट पोल बनाए थे, बिल्कुल डिफरेंट नतीजे आए। मैं आपको बताऊंगा कि किश्तवाड़ के जो पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस पर चलते हैं और वहाँ के अपडेट्स पर आपको आगाह कराते हैं। किश्तवाड़ में जब सुबह इस पाडर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जब वोटों की गिनती शुरू हो गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत ही आगे जा रही थी, यानी कुछ हज़ार वोटों से जो है अपनी बढ़त जो है बना रही थी और आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे नागसेना का बेल्ट क्रॉस होता गया, उसके बाद जैसे ही पाडर वाले बेल्ट में चले गए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो रिवर्स गियर्स लगाने पर आ गई। जैसे रिवर्स गियर्स लग गया और काउंटिंग की जो गिनती है वो उल्टी हो गई और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे निकल गई। कुल मिलाकर लास्ट तक जब हमने इस काउंटिंग पर नज़र बना के रखे और उसके बाद हमने आपको अपडेट्स बताए, जहां मैं आपको बताऊंगा कि यहां जो पाडर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से सुनील कुमार शर्मा ने जो है वहां से जीत दर्ज कर ली है और वो जो वोट ली है उन्होंने 17,036 वोट जो है वो सुनील कुमार शर्मा ने ली है। उसके बाद मैं बात करता हूँ पूजा ठाकुर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रत्याशी थी, जिन्होंने 15,490 वोट्स लिए हैं। उसके बाद संदेश महाजन की अगर बात करें तो 372 वोट लिए हैं। उसके बाद अनिल कुमार की बात करें, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने 158 वोट लिए हैं। उसके बाद श्रीकांत की बात करें तो 169 वोट लिए हैं। उसके बाद रॉकी गोस्वामी की बात करें, जिसको राकेश गोस्वामी के नाम से यहाँ नाम लिखा गया, उसका 209 यानी 209 के करीब जो है वहाँ उन्होंने वोट लिए। और नोटा की बात करें इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 362 वोट जो है यहाँ पर के जो पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी है 362 वोट जो है वहाँ पड़े हैं। जीत जो है वो सुनील कुमार शर्मा ने 1546 वोट लेकर जो है वहाँ से जीत दर्ज कर ली है। उसके बाद अगर हम चलते हैं आगे किश्तवाड़ के बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हम चलते हैं आपको लेकर इंद्रवाल में क्या कुछ अपडेट रहा। जहाँ सुबह हमने अपडेट्स बताए थे, जहाँ शेख जफरुल्ला जो है एक बड़ी मार्जिन से जो है वो लीड कर रहा था, उसके बाद जब धीरे धीरे छात्रों तक पहुँचे तो शेख जफरुल्ला जो है उसका नंबर जो है वो घटता गया। उसके बाद प्यारेलाल शर्मा, जैसे ही छात्रों पर पहुँचे तो प्यारेलाल शर्मा ने जो है अपने अपना स्कोरिंग कार्ड था वो आगे बढ़ता गया। आपको मैं बता दूं कि लास्ट राउंड तक जो है ये फाइट जारी रही जो इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि वहां पर प्यारेलाल शर्मा ने 14,195 वोट लिए हैं। वहीं अगर दूसरे नंबर की बात की जाए, जो गुलाम अहमद सरूड़ी हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां पर उन्होंने 13,552 वोट जो है वो लिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शेख जफरुल्ला की, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने 12,533 वोट। उसके बाद हम बात करते हैं एडवोकेट शेख नासिर की, एडवोकेट शेख नासिर ने वोट जो है वो 1044 यानी 1044 वोट जो लिया है। उसके बाद तारिक हुसैन कीन की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने 9550 यानी 9550 वोट लिए हैं। उसके बाद हम सलमान निसार की बात करें, 549 जो बहुजन समाज पार्टी से थे। उसके बाद आशिक हुसैन जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे। उसके बाद इम्तियाज़ बशीर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने 265 वोट जो है वहाँ से लिया है। उसके बाद अगर नोटा की बात करें, यानी मैं इनमें से किसी कैंडिडेट को नहीं चाहता हूं, वो करीबन 1145 वोट जो है इसमें पड़े हैं। उसके बाद हम चलते हैं किश्तवाड़ में क्या कुछ रहा, वो मैंने आपको सुबह से ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एजिस जो है वो लग रही थी, बड़े इलाकों से जो है बड़े मार्जिन से वोट आ रहा था। उसके बाद हम बताते हैं कि किश्तवाड़ में जो है भारतीय जनता पार्टी ने तो जीत दर्ज कर ली है, मगर कितने वोटों से कर रही है, वो 521 के करीब जो है वोट हासिल किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने 521 वोटों से जीता है। मैं आपको बताऊंगा कि जो शगुन परिहार है, उन्होंने 29,353 वोट लिए। उसके बाद अगर चलते हैं जो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सजाद अहमद किचलू, उन्होंने लिए 28,532 वोट। उसके बाद बात करते हैं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, जो फिरदौस अहमद टाक है, उन्होंने 997 यानी 997 वोट जो है उन्होंने लिए। उसके बाद हम करते हैं रूपलाल शर्मा, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने 571 वोट लिए। उसके बाद सुमित कुमार जो बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने 441 वोट लिए। उसके बाद रवि कुमार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने 177 लिए। उसके बाद अनूप कुमार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़ रहे थे, उन्होंने 138। और अगर नोटा की बात करें तो 615
कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट्स मिली है। वो 2 सीट्स कौन है? वो किश्तवाड़ की जो हेडक्वार्टर की सीट है जो शगुन परिहार ने जीती है, उसके बाद जो हाल ही में यहाँ पर डिलिमिटेशन के बाद पार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाया गया था, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो सुनील कुमार शर्मा है उन्होंने वहाँ से जीत जो है वो दर्ज कर ली है। उसके बाद जब आपने इंद्रवाल की बात करते हैं तो आपने वो गहमागहमी देखी थी कि पहले नॉमिनेशंस नहीं भरने, जो नॉमिनेशंस थे वो नहीं दिए, बाद में जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर प्यारेलाल शर्मा ने जो इलेक्शन लड़ा वो आपने देखा और उसके रिजल्ट्स और उसके नतीजे आपने देखे, जहां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीएम सरोड़ी जो है वो दावे बोल रहा था कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर ही लड़ूंगा मगर मैं जीत जाऊंगा। उसके बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करती वो दावे कर रही थी, जहां शेख जफरुल्लाह की बात कर रहे आपने बड़ी स्पीचें नेक्स्ट जो सोशल मीडिया के ऊपर देखी थी, ऐसा लग रहा था कि जिस तरह की सोशल मीडिया पर बरसात हो रही है उसी तरीके से लोग भी जो है अपना वोट कास्ट करेंगे, मगर जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल डिफरेंट आए, क्योंकि जैसे ही शेख जफरुल्लाह मड़वा से इधर आए तो वोटों की बरसात जो है वो बंद हो गई, उसके बाद जो वोटों की बरसात हो गई वो प्यारेलाल शर्मा की झोली में हुए। फिलहाल जो तीनों सीट्स हैं यहाँ पर शगुन परिहार ने किश्तवाड़ की जिला हेडक्वार्टर की सीट जीत ली है। पार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो सुनील कुमार शर्मा ने, और इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्यारेलाल शर्मा ने जो है ये सीट जो है अपने नाम कर ली है। 2 कैंडिडेट्स की हमने जीत के बाद जो है हमने इंटरव्यू किया है, उनसे पूछा है कि आखिरकार आप जीतने के बाद आप कौन सा आपका नेक्स्ट सिनेरियो रहेगा। उसने बताया कि जो शगुन परिहार है उन्होंने भी अपनी प्रेस वाइट में कहा वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद प्यारेलाल शर्मा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में थे उन्होंने क्या कुछ प्रेस मीडिया से बात करते हुए बताए, आइए आपको सुनाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। शोभन जी, कैसे आप इस जीत को देखते हैं आज के दिन, क्या बताएंगे? आपने एक बड़े स्टालवर्ट को हराया है आज, तो कैसे देख रहे हैं इस जीत को? तो सुनील जी की जीत पर आप क्या कहेंगे? वो तो बहुत बड़े दिग्गज नेता है, उनको पहले भी यहाँ के लोगों ने बहुत जनता की तरफ से आप सब लोगों की मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवादी हूँ कि आप सब लोगों ने मीडिया के माध्यम से घर घर तक हमारी आवाज़ को पहुँचाया, हमारी पार्टी का जो है मैनिफेस्टो वो घर घर तक पहुँचाया, इसके लिए मैं आपकी। जीत के बाद क्या प्रायोरिटी रहेगी, आप कौन सा काम सबसे पहले करना चाहेंगे? जो हमेशा से तो ये पता था कि इंद्रवाल में कितनी टफ फाइट है, एक 20 साल से काबिज बंदा था, दूसरा जिसके साथ सरकार थी, तीसरा जिसको कलेक्शन में मैंडेट दिया गया था, और मैं इंडिपेंडेंट था, ना मेरा आगे कोई था ना पीछे था, मेरा इंद्रवाल के लोग थे, मेरे गरीब लोग थे, उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे जीता। ये मेरे लोग फैसला करेंगे, प्यारेलाल इसका फैसला करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे जिताया वो जो फैसला लेंगे मुझे। प्रायोरिटी डेवलपमेंट, स्कूल, एजुकेशन, रोड्स, और हमारी सबसे बड़ी जो लड़ाई होगी बेरोजगारी के लिए होगी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि बोंजवा में भी अपना कैंडिडेट था और मड़वा में भी अपना कैंडिडेट था, तब भी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं उनके 2,000 वोट मेरे 5,000 वोट के मुकाबले हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उनका। बाकी छात्रों, मुगल मैदान केशवान तक तो मेरा घर था। मुसलमान आप उन लोगों को है जिन्होंने नबी पाक के खिलाफ परसों बयान दिया था, ये जो आप पूरे हिंदुस्तान में है 90% मुस्लिम में एक हिंदू जीत के आया, ये सोचना चाहिए दिल्ली वालों को जो हम जो जो